बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। यहाँ पर दो अपडेट हैं, दो नोटिस बीपीएससी की तरफ से जारी हुई हैं, जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। पहली जो नोटिस है वो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के है। आप लोग जानते हैं जो इसमें पेपर हुआ है उसमें तीन पार्ट थे। पहला पेपर आपका भाषा अर्हता वाला पेपर, दूसरा सामान्य अध्ययन का है, तीसरा आपका वैकल्पिक विषय का था। तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें चेंजमेंट किया गया और आप सभी के लिए खुशखबरी है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, साथ ही साथ डीएड वाले छात्रों के लिए भी अपडेट्स हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहली नोटिस यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं जो बीपीएससी की तरफ से आज 18 दिसंबर को जारी की गई है। इस नोटिस में ये बताया गया है कि जो भाषा अर्हता यानी भाग एक वाला पेपर था जो कि 30 नंबर का था, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग जानते हैं 30% था। तो क्वालिफाइंग मार्क्स सभी कैंडिडेट के लिए अब शून्य कर दिया गया है। मतलब इस वाले पेपर में आप पास हैं फेल हैं कोई मतलब नहीं रह गया है, यहाँ पर शून्य कर दिया गया है। 30 नंबर के पेपर में 30% मार्क्स लाना था, इस हिसाब से 30 में 9 नंबर लाना कंपलसरी था सभी छात्रों के लिए। तो फिलहाल 9 नंबर से घटा करके इसको शून्य कर दिया गया है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो 6 से 8 की भर्ती में, 9 10 की भर्ती में, 11 12 की भर्ती में आए, 1 से 5 की भर्ती में ये चीज़ लागू नहीं होगी। यानी 1 से 5 को छोड़ करके बाकी पूरी भर्ती में लागू है। 1 से 5 वालों को अभी भी क्वालिफाइंग मार्क्स उतना ही रहेगा 30% भाषा भाग वाले भाग एक वाले पेपर में। वही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल 1 से 5 के भाग एक भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा, बाकी 6 से 8 टीजीटी पीजीटी में भाषा जो मेरिट सूची बनेगी उसमें भाषा के मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे, और वो कुल मिलाकर के उसको देखो शून्य कर दिया गया है। वो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। दूसरी नोटिस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नोटिस दी गई है 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर बताया गया कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा NIOS के माध्यम से डीएलएड किया गया है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार NIOS डीएलएड शिक्षक भर्ती से बाहर है। तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से कहा गया अगर आपने NIOS डीएलएड जो है के आधार पर फॉर्म भरा है 6 से 8 की भर्ती में, और आपके पास बीएड भी, आपने बीएड भी किया हुआ है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपका अभ्यर्थन यहाँ पर बना रहे तो बीएड की जो योग्यता है उसको यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, और बीएड के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। NIOS डीएलएड के आधार पर चयन नहीं होगा, क्योंकि NIOS डीएलएड आखिर भर्ती से बाहर हो चुका है, ठीक है। तो बोला गया अगर आपके पास आपने बीएड भी किया हुआ है तो आप इसके लिए 19 दिसंबर और 20 दिसंबर दो दिन पोर्टल खुला रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप जो डैशबोर्ड पर जाकर के बीएड की डिटेल्स आप लोग भर सकते हैं। तो ये दो नोटिस फिलहाल आप सभी के लिए जरूरी थी जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।